वेलकम आर स्टूडेंट, थक कर बैठा हूँ, हार कर नहीं, अभी तो मेरे निशान बाकी हैं, हारा नहीं हूँ यारो, अभी तो मेरी पहचान बाकी है, मैं तो जीत लूँगा मैदान की इस जंग को, अभी तो मेरी मेहनत का इम्तिहान बाकी है। तो आइए सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करते हुए बढ़ते हैं पार्ट एट की तरफ। फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ का जो चैप्टर फर्स्ट लेकर चल रहे हैं, काफ़ी आप लोगों ने मुझको प्यार और सपोर्ट दिया है, जिसकी वजह से मैं वीडियो प्रतिदिन डाल पा रहा हूँ। तो मैंने कल बात की थी कोलाम के नियम की, आइए कुछ फैक्ट जानने से पहले कोलाम का सदिश निरूपण, जो कि काफ़ी कठिन है, उसको हम सरल तरीके से आसान भाषा में कैसे सीखेंगे। तो आइए बात करते हैं कोलाम का सदिश निरूपण। कोलाम का सदिश निरूपण कैसे करेंगे, वेक्टर निरूपण, इसका प्रेजेंटेशन, जैसे ये क्यू वन आवेश है, यहाँ पे हमारा क्यू टू आवेश है, इसका स्थित सदिश आर वन टू कैप इधर की तरफ होगा और क्यू टू का स्थित सदिश आर टू वन कैप इधर की तरफ दिशा होगी इसकी। जब क्यू वन बल लगाएगा क्यू टू पर, तो उस बल का नाम होगा एफ वन टू, यानी वन के द्वारा टू पर आरोपित बल, आवेश क्यू वन के द्वारा क्यू टू पर आरोपित बल। और जब Q2 Q1 पर जो बल लगा रहा होगा, Q2 जो Q1 पर बल लगा रहा होगा, उसका जो होगा F21 होगा। F21 यानी आवेश दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर, यानी Q2 के द्वारा Q1 पर आरोपित बल का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले Q1 के द्वारा, Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित बल, आरोपित बल। तो ये कितना है, F12, F12 वेक्टर सदिश होता है, तो यहाँ पे होगा भाई वन अपान फोर पाई सालान आठ क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर, बीच की दूरी आर है, बीच की दूरी आर है स्मॉल। और यहाँ पर कितना लिखेंगे, वन टू के लिए कितना है आर वन टू, तो वेक्टर आर वन टू कर्व। समीकरण नंबर एक वही लिखेंगे, Q2 के कारण या Q2 के द्वारा Q1 पर आरोपित बल, आरोपित बल, तो ये कितना हो जाएगा F21 वेक्टर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और यहाँ कितना रहेगा R कैप 21। अच्छा एक बात हमें पता चली कि देखो R12 की जो दिशा है वो R21 की दिशा नहीं है, R12 की दिशा Q1 से Q2 की ओर है, R21 की दिशा Q2 से Q1 की ओर है, यानी कि दिशा इन लोगों की विपरीत है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि चूंकि R12 कैप इक्वल टू माइनस R21 कैप, यानी R12 किसके बराबर है, माइनस R21 के कैप के बराबर। तो यहाँ पर हम R R21 की जगह कितना लिख सकते हैं, R12 लिख सकते हैं, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और यहाँ पर R12 कैप, ये F21 बल आ गया समीकरण नंबर दो। जैसे ही हम इसको जो है समीकरण एक को समीकरण दो से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो कितना आएगा F12 अपान F21, और इधर हमारा कितना रहेगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर और आर वन टू कैप। नीचे आएंगे तो यहाँ भी वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर और आर वन कितना है माइनस का आर वन टू, आर टू वन की जगह कितना लिख सकते हैं माइनस का आर वन टू, चाहे R12 की जगह यहाँ पे माइनस का R21 लिखें या R21 की जगह माइनस इधर दे दें, तो माइनस का R12 हो जाएगा, तो R कैप 12। तो देखेंगे यहाँ पे ये सब पूरा क्या हो जाएगा, बचड़ बचड़ कैंसिल हो गया, फिर R21 भी R21 से कैंसिल हो गया, कितना बचा वेक्टर F12 अपान वेक्टर F21 इक्वल टू वन अपान माइनस वन, गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस, चाहे ऊपर दे दो, तो यहाँ F12 वेक्टर इक्वल टू F21 वेक्टर, काहे का भैया माइनस का। इसका क्या मतलब निकला कि जो बल लग रहा है कि Q1 के द्वारा जो बल लग रहा है, यहाँ इतना है Q1 के द्वारा जो बल लग रहा है, ये अपना आंसर है यहाँ पर आ चुका है, इसके माध्यम से बताना चाहेंगे
कि जो Q1 के द्वारा बल लग रहा है F12 और जो Q2 के द्वारा Q1 पर बल लग रहा है F21, वो परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा उनकी विपरीत है, इसीलिए चिन्ह क्या है, माइनस आया है। तो इसको अगर हम समीकरण तीन माने तो समीकरण तीन से स्पष्ट होता है कि ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। यहां पर लिखेंगे कि यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, यही लिख देते हैं, यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। न्यूटन का तृतीय नियम भी क्या था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जितनी क्रिया करोगे किसी वस्तु पर, बदले में वो वस्तु आपको उतनी ही प्रतिक्रिया देगी। तो इसको जो है नोट करिए, ये था कूलाम का सदिश निरूपण। हमने शॉर्ट मेथड बताया, लॉन्ग मेथड नहीं बताया। आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे, मैं मानता हूँ अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहिए। अगर आपने हमारे वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जा करके हमारे चैनल में, और 7 वीडियो हमने अपलोड किए अभी तक, ये पार्ट 8 है, तो उसके 7 वीडियो आप रेगुलर जो है लाइक मतलब देख लीजिए उनको, और नोट करना चाहिए तो नोट भी कर लीजिए, देन आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब हम लिखेंगे कि कूलाम के नियम के गुण। तो इसे वीडियो को पॉज करके आप जो है नोट कर लेना, हम बढ़ते हैं आगे और इसको इरेज कर देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अब लिखाएंगे, कूलाम नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो यहाँ लिखेंगे कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स किससे रिलेटेड टू कूलम्स ला से रिलेटेड। हम लोग क्या लिखाएंगे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिखेंगे। पहला इम्पॉर्टेंट फैक्ट भैया यही कि कूलाम का नियम सिर्फ और सिर्फ स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगता है, और वो बिंदु आवेश होने चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे कूलाम का नियम केवल ओनली स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करता है। कूलाम का नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करता है। आवेश कैसा होना चाहिए, स्थिर और बिंदुवत होना चाहिए। क्योंकि कारण भी लिख लीजिए, प्रश्न आ सकता है क्यों, तो क्योंकि गतिमान आवेश, जब आवेश गतिमान हो जाता है तो गतिमान आवेश में वैद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी कार्यरत होते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो कूलाम का नियम लगता है वो 10^-15 मीटर के अंदर ही लगता है, इससे कम दूरी पर नहीं लगेगा। 10^-15 मीटर से कम दूरी पर लागू नहीं होता, क्योंकि वहां पर नाभिकीय बल कार्य करता है, यानी इससे अधिक दूरी पर काम करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कूलाम का नियम 10^-15 मीटर दूरी से कम दूरी पर लागू नहीं होते। कारण लिखिए, क्योंकि इससे कम दूरी पर नाभिकीय बल कार्य करने लगता है, यही कारण है कि वहां पर फिर नाभिकीय बल कार्य करने लगता है। और एक फर्मी भी इसको बोल सकते हैं, 10^-15 मीटर एक सूत्र होता है, 1 फर्मी = 10^-15 मीटर, या यहाँ पर लिख सकते हैं 1 फर्मी दूरी से कम दूरी पर लागू नहीं होते, इससे अधिक दूरी पर ही लागू होते, क्योंकि इससे कम दूरी पर नाभिकीय बल कार्य करने लगता है। कूलामी बल अगला फैक्ट लिखेंगे, कूलामी बल अध्यारोपण के सिद्धांत पर
सिद्धांत पर कार्य करते हैं, गुलामी बल अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अभी आगे चर्चा करेंगे इस नेक्स्ट में वीडियो में कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, वो हम चर्चा करेंगे। तो ये तीसरा फैक्ट था। चौथा फैक्ट ये है कि कूलाम का जो नियम होता है, कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है, कल ही हमने बताया था जब कूलाम का नियम पढ़ाया था, 1/r² या फिर समानुपाती q1 q2 पढ़ाया था, तो जो 1/r² पढ़ाया था यही तो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन है, यही व्युत्क्रम है। तो कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, इसीलिए ये बल संरक्षी बल होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज, इसीलिए ये बल संरक्षी बल होते हैं। आगे क्लासों में जब आप पढ़ेंगे तो आप दो तरीके के बल जो है पढ़ेंगे, संरक्षी बल और असंरक्षी बल। तो इसको जो है नोट करिए, बढ़ते हैं थोड़ा आगे। इसको जो है नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके भी रोक करके भी उसको जो है नोट कर सकते हैं। चलते हैं अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल और देन उसके बाद में अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए एक समस्या जरूर है कि वीडियो चल रहा है, जैसे ही लाइट चली जाएगी तो वीडियो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ये एक समस्या है। तो इस समस्या से समाधान यही है कि जब तक चल नहीं पड़ते रहिए। तो ये एक न्यूमेरिकल है और वो न्यूमेरिकल जो है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल है क्या, न्यूमेरिकल क्या है, एक न्यूमेरिकल यहाँ से लिख रहे हैं। ये न्यूमेरिकल क्या है, समान आवेश वाले दो धनायन, समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर 3.7×10⁻¹⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि उनके मध्य की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है, 5 एंगस्ट्रॉम है। प्रत्येक आयन में उदासीन उदासीन अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है, यह न्यूमेरिकल आपके सामने है कि समान आवेश वाले दो धनायन, ए समान आवेश वाले, ये भी प्लस क्यों है, ये भी प्लस क्यों है, परस्पर 3.7×10⁻¹⁹ का प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं। जो प्लस प्लस के दोनों तो प्रतिकर्षण ही तो लगाएंगे, दूरी तो भगाएंगे। उनके मध्य की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है, लेकिन हम कहते हैं दूरी तो भैया मीटर में लेंगे, बिल्कुल लेंगे। प्रत्येक आयन में उदासीन अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। कैसे सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे माना पूछा क्या गया है, प्रत्येक आयन में उदासीन अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है, समान आवेश वाले दो धनायन, तो माना आवेश कितना मान लेंगे, क्यों कूलाम है, आवेश क्यों मान लेंगे, ठीक, इधर भी क्यों। दूरी कितनी दी हुई है, दूरी स्मॉल r इक्वल टू 5 एंगस्ट्रॉम। देखो 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻¹⁰ होता है, इसको भैया याद कर लो, मैं कहता हूँ इसको याद कर लो। तो यहाँ पे 5×10⁻¹⁰ ये हो गई दूरी, ये दूरी हो गई, और हमको क्या दिया है, बल दिया है, प्रतिकर्षण बल दिया है, F=3.7×10⁻¹⁹ कितना 9
न्यूटन। अब मुझे क्या कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या, कूलाम का नियम है F इक्वल टू 9×10^9 और यहाँ Q1 Q2 upon R², यहाँ 1.4 ε₀ जो था उसकी जगह पे ये न्यूमेरिकल के समय पर इतना ही लिखा जाता मान है, याद कर लेना इसे भी। तो हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है Q1। देखो यहाँ Q1 भी क्यों है और Q2 भी क्यों है, यहाँ पे Q1 Q2 Q मान लिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना F × R² R^2 चलाएगा, बटे में कितना जाएगा 9×10^9 और उधर Q1 Q2 Q × Q कितना हो जाएगा Q²। F का मान कितना है, F का मान है 3.7×10^-9। R² 5×10^-10, फिर 5×10^-10, नीचे 9×10^9 और इधर आ गया Q²। कितना आएगा यहाँ पर, इधर चलते हैं तो Q=√ 25/9 3.7×10^9। ये 10, 10, 20 और 9 कितने हो जाएंगे 29 और ये भी 9 ऊपर चले जाएंगे, ये भी माइनस के हो जाएंगे। तो ऐसे कर लेते हैं 9, 9, 18, 18 और 20, 10, 30, 38 हो गए माइनस के 38। तो 25 का तो भैया 5 हो जाएगा वर्गमूल, 9 का 3 हो जाएगा और 37 का देखो कितने का होगा, ये 1.9 होता है, इसे भी याद कर लेना √3.7 = 1.9। और 10^3 कितना आएगा 19, 19 × 38 ये हो गया। इसको जब गुणा करेंगे तो भाई इसको 19×5 = 95 और 5×3 = −19। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे 3.2×10^-19 कूलाम आ जाएगा। ये तो आवेश का मान पता चल गया, यहाँ सॉल्व करोगे लगभग इतना ही आएगा। तो ये तो मुझे पता चल गया दोनों पर आवेश कितना है, इतना है। हमसे आवेश नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि प्रत्येक आयन में उदासीन अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, यानी यन पूछा गया है। तो यहाँ पर हम सीधे सा यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे Q=ni वाला और यहाँ से n = Q/E। क्यों का मान आया है 3.2×10^-19 कूलाम और ई का मान होता है 1.6×10^-19 कूलाम। देखो वो 0.00 चला गया, 16 × 1 = 16 × 2 = 32 और ये भी पूरा इसे खलास हो गया, कितना आया 2। तो यन बराबर कितना आया है, दो। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता हुई है, हाँ जी कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी यहाँ पे हुई है, आयन में उदासीन अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम थे, तो कितने इलेक्ट्रॉन कम थे, दो इलेक्ट्रॉन कम थे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लास्ट में कि यहाँ उदासीन अवस्था की तुलना में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई थी, तभी तो यहाँ पे धनावेश उत्पन्न हुआ होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आवाज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो इतनी रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अध्यारोपण का सिद्धांत लेकर के, हाजिर होंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लेकर के। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप सभी का हार्दिक स्वागत है।